गुमंतक के गौरवशाली इतिहास का साक्षी है श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर। ये मंदिर आज शिव भक्तों, उनकी गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। परंतु इस मंदिर को आज पूर्णता का रूप कई सदियों के राजनीतिक उथल पुथल और कई बार पुनः निर्माण के बाद प्राप्त हुआ है। गोवा के मांडोवी नदी के एक दीवार नामक द्वीप पर भगवान शिव के रूप श्री सप्तकोटेश्वर के मंदिर का निर्माण 11वीं 12वीं सदी में हुआ था। तब गोवा पर शासन था कदंब राजवंश का। कदंब राजवंश अपने साम्राज्य को अपने राज देवता श्री सप्तकोटेश्वर का प्रसाद मानते थे। इसका सबसे बड़ा संकेत है उस साम्राज्य के सिक्कों या ताम्र पटों पर अंकित संस्कृत वचन श्री सप्तकोटेश्वर लब्ध वर प्रसाद। कदंब वंश की समृद्धि और व्यापार इतना व्यापक था कि उस काल को गोवा का स्वर्ण युग माना जाता था। परंतु गोवा के स्वर्ण युग पर बहामनी वंश का आक्रमण प्रकोप बनकर बरसा। इस आक्रमण में कई मंदिरों को नष्ट कर दिया और उसी बर्बरता का उदाहरण था सप्तकोटेश्वर मंदिर के शिवलिंग का अपमान। उसी दौरान दक्षिणी भारत में एक महान और विशाल साम्राज्य का उदय हुआ, विजयनगर साम्राज्य, जिसके खंडहर आज हम्पी के नाम से जाने जाते हैं। गोवा भी इसी विजयनगर साम्राज्य का एक भाग हुआ करता था। उसी महान साम्राज्य के सम्राट देवराज द्वितीय के आदेश पर गोवा के प्रधान श्री माधव मंत्री जी ने शिवलिंग को पुनः पूरे मान सम्मान और आस्था के साथ स्थापित किया। यह इस मंदिर का पहला पुनरुत्थान था। यह पुनरुत्थान शायद बस कुछ ही समय के लिए था, क्योंकि कुछ ही वर्षों के बाद गोवा का इतिहास का एक काला अध्याय शुरू हुआ। वो साल था 1510, जब पुर्तगाली सेना ने गोवा की धरती पर अपने गंदे इरादों का पहला कदम रखा और धीरे धीरे गोवा में तीन क्षेत्र बारदेश, तिसवाड़ी और साष्टी में आकर बस गए। लोगों की धार्मिक आस्था नष्ट करने के इस कुटिल नीति में बलि चढ़े कई मंदिर। इन्हीं धार्मिक स्थलों की पहली सूची में शामिल था गोवा का श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर। एक बार फिर हमारी आस्था को विदेशी ताकतों के कदमों तले रौंदा गया और हमारी आस्था की अखंड ज्योति श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर के शिवलिंग को कुएं के पास फेंक दिया गया। इस अत्याचार में कई लोगों ने पलायन किया, कई ने अपनी जान तक दे दी, बहुत लोगों को जबरन अपना धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। शिवलिंग के इस घोर अपमान की सूचना जब दीवार की दूसरी तरफ के आधार ढिचोली गांव के सरदेसाई नारायण राव को लगी, तो उन्होंने शिवलिंग को रातों रात वहां से उठाकर अपने गांव की एक गुफा में सुरक्षित छुपा दिया। कई बरसों तक गोवा के स्वर्ण युग का प्रतीक श्री सप्तकोटेश्वर की पूजा उसी गुफा में होती रही। परंतु शिवलिंग को मंदिर तक पहुँचाने का साहस कोई जुटा नहीं पाया। तभी देश के महायोद्धा, महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज इन विदेशियों के अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस चुके थे। अपने बारदेश अभियान के दौरान शिवाजी महाराज ने कोलवाल में पुर्तगालियों को बुरी तरह परास्त किया, जिसके बाद बिचोली महल के लोगों से शिवाजी महाराज को श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर के घोर अपमान और बुरी स्थिति की सूचना मिली और उसके परिणाम स्वरूप 13 नवंबर 1668 के स्वर्णिम दिन पर छत्रपति शिवाजी महाराज के आज्ञा अनुसार कदम वंश के राज दैवत श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर के पुनः निर्माण का कार्य शुरू हुआ। पुर्तगालियों के क्रूर शासन में जहां हर मंदिर, हर मूर्ति और हर देवता का अपमान हुआ, उनके सम्मान को वापस अर्जित करने का आरंभ था श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर की पूर्ण स्थापना। सप्तकोटेश्वर का पुनरुत्थान न सिर्फ एक मंदिर की पूर्ण स्थापना थी, बल्कि गोवा की छत विछत हुई आस्था के पुनरुत्थान का भी प्रतीक था।
जो ना सिर्फ गोवा बल्कि पूरे देश में अधर्म पर धर्म के विजय की जीत है। गोवा के पुरातत्वीय धरोहर के संरक्षण में कार्यरत पुरातत्व विभाग द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। इस मंदिर को प्राप्त ऐतिहासिक विरासत का संरक्षण करना हमारे लिए प्राथमिकता थी ही। श्री सप्तकोटेश्वर मंदिर के साथ हमारे दैवत समान श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की यादें जुड़ी हुई है। 1668 में उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर का शिलान्यास हुआ था। आज ये दिन मैं मेरे पुरातत्व मंत्री के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानता हूँ। 2019 में इस सप्तकोटेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था उसको 350 साल पूरा हो चुका था। आज मुझे बड़ा गर्व से मैं कहता हूँ कि उसी जो गोवा का कावी आर्ट हो और इस मंदिर के जीर्णोद्धार में मंदिर के पुनर्निर्माण में तप के जप यानी गुड़ मिट्टी और चूना इसी से आज भी ये मंदिर बनाया है। कदम्ब काल में स्थापन हुआ सप्तकोटेश्वर मंदिर गोमंत भूमि का आराध्य दैवत है। बहुत सारे गोवा के लोगों का इस शिव मंदिर ये मूल स्थान है, आराध्य दैवत है। मुझे लगता है कि गोवा के सभी लोगों के लिए सप्तकोटेश्वर का शिव मंदिर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। सभी लोगों इस मंदिर देखने के लिए शिव का दर्शन लेने के लिए सप्तकोटेश्वर नार्वे में जरूर आएंगे। हमारे पूरे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से PWD डिपार्टमेंट की तरफ से इस मंदिर को बहुत ही सुंदर बनाया है। हमारे इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर मिस्टर सुभाष फलदेसाई, इसके सभी डायरेक्टर्स, सभी स्टाफ और जिन जिन लोगों ने इसके पुनर्निर्माण में सहभाग लिया है इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय गोमंतक।